जैसे कुछ गुम हो गया था और मिल गया हो बहुत सालों बाद, बहुत जन्मों के बाद, ऐसा फील हो रहा है। आओ यार, आप लोग भी आओ यार प्रभु की छाया में। भक्ति की शक्ति देखो, दिखाना तो चाहिए कि देखो लोग कितना आस्था से करते हैं। चौक लगा लगा के पूरा प्रभु इनकी मनोकामना पूरी की होगी। आपने कोई खुशी में इंसान भी करता है, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। हम तो आ गए, हमको तो बुला लिया प्रभु ने। आप भी प्रभु से रिक्वेस्ट करो, वो भी आपके लिए कुछ करेंगे, समय निकाल लेंगे आपके लिए, कुछ तो ऐसा जुगाड़ लगाएंगे कि आपके इधर आने का चक्कर बन जाएगा। मेरी तरह पता ही नहीं था इधर आना होगा मेरा, और एकदम से बस होता चला गया सब कुछ यार अपने आप ही। थोड़ा लैंग्वेज का इशू है, बट ये है कि इंग्लिश में तो लिखा है हैप्पी न्यू ईयर 2024। भाई ये लकड़ी को ना सब लोग पूज रहे थे, मुझे नहीं पता था क्या है, तो इसी लकड़ी का जो है रथ बनता है, इसलिए सब आते जाते माथा टेक रहे हैं। ये हमारे जगन्नाथ जी भाई, इतना खुशी फील हो रही है ना यार अंदर से, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा भाई। मतलब अंदर अभी तो गया नहीं हूँ, मैं अभी जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, जैसे मैं गुम हो गया हूँ और मुझे मेरे माँ बाप मिल गए हैं, ऐसा लग रहा है। चुप हो जा, ओ भाई चुप हो जा, क्यों आंखों से आंसू आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है भाई। मैं सोच रहा था कंट्रोल करूँगा पर नहीं कंट्रोल हो पाया भाई, कैमरे के सामने भी। प्रभु की माया, प्रभु ही जाने भाई। कोई रिश्ता होगा शायद इस जगह से पुराना, वो पुराने कर्मों का कुछ होगा लेखा जोखा मेरा, जो रह नहीं पा रहा हूँ भाई। मैं अभी गया नहीं हूँ अंदर, फिर भी प्रभु को देख के इतनी खुशी महसूस हो रही है, नहीं बता सकता भाई। कैमरे के सामने ही रो रहा हूँ यार मैं। चलो खैर, घर एक बार फोन मिलाना मेरे को, घर एक बार बात करके घर वालों को दर्शन करा के प्रभु जी के, उसके बाद चलते हैं मंदिर में, एंटर करते हैं, कैमरा वगैरह जमा कर। भाई मेरे को तो लगा था अंदर प्रसाद वगैरह लेके जाते होंगे, भोग वगैरह लगता होगा, पर कोई भोग वगैरह नहीं लगता है, कोई प्रसाद वगैरह नहीं जाता, खाली हाथ ही जाते हैं। अंदर प्रसाद मिलता है चखने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। तो भाई प्रभु जी के तो मैंने कल दर्शन कर लिए थे, बहुत टाइम लग गया था, करीब 10 बजे के करीब मैं लाइन में लगा था और 2-2.5 बजे मेरा नंबर आया था मंदिर में दर्शन का। तो भाई अभी लोकल लोगों से पूछा है मैंने, तो यहाँ पे जो है अपना ऋषि मार्कंडेय जी का मंदिर है जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी और कुछ ऐसा है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। अभी तो वहाँ जा रहा हूँ, फिर उसके बाद जागेश्वर है, फिर उधर जाऊँगा, उसके बाद फिर गोल्डन बीच बताया, फिर वहाँ जाऊँगा, फिर कोणार्क टेम्पल जाऊँगा। तो अभी फटाफट शुरू करते हैं, ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हो गए हैं। वैसे तो मेरे को सुबह 5:30 बजे की ट्रेन पकड़नी थी और वो मेरे से गई छूट, सोया रह गया भाई, थका हुआ था कल का बहुत ज़्यादा। तो अभी करते हैं अगला टूर। तो भाई जय जगन्नाथ सबको, आ गए हैं आप इधर और दर्शन किया था कल, बड़ा अच्छा लगा था। सिक्योरिटी वाले भाई वीडियो बना रहे हैं मेरा, मंदिर आ रहा है पूरा भैया, वो कह रहे हैं हमारे को अलाउड नहीं होता पर तुम्हारे लिए कर देते हैं। तो भाई अभी फ़ोटो वगैरह खींच रहे थे, एक दो फ़ोटो वगैरह लिए हैं प्रभु के साथ, तो एक कपल मिल गया था, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है भाई फ़ोटो लेने में। तो वो सिक्योरिटी वाले भैया से फ़ोटो ली गई पर वो थोड़ा ठीक नहीं थी। तो भाई शादी हुआ आपका कभी, कितना टाइम?
रिसेंटली कॉन्ग्रेचुलेशन. हाँ ठीक है, करना सब्सक्राइब है चैनल नेम. फ्रीक्वेंट ट्रैवलर. ट्रैवल करते करते हम पहुंच गए हैं इस मंदिर के पास जो बताया ऋषि मार्कंडेय जी ने, जहाँ पे पूजा की थी. और शायद मैं भी पूरी आपको हिस्ट्री बताता हूँ, एक सेकंड. यह है वो मंदिर. आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको? पोर्टल. पोर्टल है, पोर्टल. पोर्टल परमल. परमल हरियाणा में परमल बोलते हैं. और आपके यहाँ पे बताया आपने क्या नाम? पोर्टल. पोर्टल पटोड़ा. ये भाई यहाँ पे तो भोग की तैयारी चल रही है प्रभु की दया से. सच बता रहा हूँ, आत्मा खुश हो गई. मतलब इतनी एंटीक मूर्तियाँ हैं, इतनी पूर्व काली पुरानी मूर्तियाँ हैं जो काले पत्थर से बनी हुई हैं. और मतलब देखते ही ना अंदर से ना, मतलब एक मैं कहूँ कि वाइब्स महसूस होती है मंदिर की. आप आओ यार इधर, मतलब सच में ही बहुत ही पौराणिक और बहुत ही मतलब समझो कि पूर्व काल का मंदिर है. लाइक इधर जो है यम की जो सात बहनें हैं उनकी मूर्ति है, और जो हमारे नवग्रह हैं उनकी मूर्ति है. फिर इधर आ जाते हैं इस साइड, तो यहाँ पे ऋषि मार्कंडेय जी 12 साल की उम्र में उन्होंने तपस्या की थी. तो जब यम उनको लेने के लिए आए तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया, भाई मैं नहीं जाऊंगा. तो शिवलिंग फट गया और उसमें से साक्षात महादेव उसमें से प्रकट हुए. तो जब महादेव प्रकट हुए तो उन्होंने यम को मारा कि भाई तू मेरे भगत को कैसे मतलब तंग कर रहा है, कैसे ले जाएगा तू ऐसा करके. तो यम को उन्होंने मारा और ऋषि मार्कंडेय जी को उन्होंने वरदान दिया. तो भाई बहुत प्यारी कहानी है. और सच में वो जो शिवलिंग वाला एरिया है वो फटा हुआ है अंदर से, और मतलब शिवलिंग नहीं है, ऐसे कुंड टाइप से बना हुआ है. और उस कुंड में से जो पत्थर के टुकड़े ऐसे हैं जो मतलब टूटा हुआ, जैसे एक चीज टूटने के बाद ऐसे फैल सी जाती है ऐसा करके, मतलब शिवलिंग का जो अंदर वाला हिस्सा है वो ऐसे निकला हुआ है. आप देखोगे ना, मतलब यार सच में बड़ी ही पावरफुल जगह है. और जो यहाँ के पंडित जी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात की, मेरे से बहुत सम्मान दिया, मेरे को खाने के लिए फल दिया, ले जाने के लिए बेलपत्री दी, फूल दिया. और उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो भी तुम मनोकामना मांगोगे वो आज ही के दिन जो तुमने मन्नत मांगी है. और देखो यार आज सोमवार है यार, मेरी किस्मत यार बहुत अच्छी है. मेरे ना ऐसे गूज़बम्प्स आ रहे हैं ना देख के, मतलब कि मेरे साथ जो हो रहा है वो अपने आप हो रहा है. प्रभु अपने आप मुझे हर जगह पे लेके जा रहे हैं. मैं मुझे नहीं पता मैं कैसे आ रहा हूँ. मुझे सुबह किसी ने बोला कि इधर मार्कंडेय मंदिर है जाओ, इधर आया हूँ. प्रभु ने इतना मान सम्मान दिया मेरे को, और पंडित जी ने भी मेरे को प्रसाद दिया खाने के लिए, बेलपत्री ले जाने के लिए, फूल दिया. भाई बस कुछ मैं बता नहीं सकता, इतना आनंद में हूँ ना आज मैं. और फिर पंडित जी ने बोला कि जो तुमको मनोकामना मांगनी है ना वो तुम मनोकामना मांगो, एक साल के अंदर आज ही के दिन, अगले साल आज ही के दिन से पहले पहले तुम्हारी वो मन्नत पूरी हो जाएगी. तुम यहाँ पे आना, जो तुम कोई मन्नत मांगते हो तो उसका जो तुम्हारा बनता है चढ़ावा या जो भी तुम अपना प्रभु के लिए कर सकते हो वो तुम करके जाना. और उन्होंने बोला कि तुम्हारी शादी हो जाएगी अगले साल तक, और तुम अपनी बीवी के साथ आना, अपने माता पिता के साथ आना. लाइक बड़े अच्छे हैं पंडित जी, हम उम्र है मतलब मेरी उम्र के हैं पंडित जी भी, और मजाकिया भी हैं बहुत. उन्होंने मेरे को, उनको भी मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ उनको भी मैं लेके आता हूँ वीडियो में. आओ भाई, सच में बहुत ही ना रिनोवेशन चल रहा है मंदिर का. बहुत ही पुराना मंदिर है यार, सच में मतलब बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं यार. मतलब आप देखोगे ना मंदिर में उन मूर्तियों के पास जाते ही ना आपको अंदर से कुछ हो जाएगा भाई, आप नहीं रह पाओगे, आपकी आंखों से आंसू टपक जाएंगे. आपको बहुत ही पावर महसूस होगी यार उस मंदिर में. मतलब जो ओहरा है मंदिर का बहुत जबरदस्त है. आओ भाई सच में बता रहा हूँ, आओ आप भी देखो. अब मैं दिखाना है तो खैर क्या, रुक जाओ अभी. ये आ गए प्रभु जी. अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है तो इसलिए मैंने प्रभु जी को एक बार बुला लिया. जय श्री हरि प्रभु जी. जय जगन्नाथ. ये मार्कंडेय ऋषि का मंदिर है, ये जगन्नाथ जी का गुरु है. और देवी पुराण रामायण में सुने होंगे ये मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर शंकर भगवान को पूजा किया था. जिस दिन उसको 108 हो गया उन्होंने इस सरोवर के साइड में बोलेंगे कि मंदिर के मंदिर आएंगे ना. ये मार्कंडेय जी की मूर्ति है.
इसको कहाँ पे रखेंगे? लगा लो आप ऐसे हाथ में, कोई दिक्कत नहीं। ये देवी पुराण रामायण में सुने होंगे मार्कंडेय ऋषि यहाँ पर शंकर भगवान को पूजा किया था। जिस दिन शंकर भगवान को वो मार्कंडेय ऋषि को 108 साल हो गया, उन्होंने भगवान को बोला हमको एक बेटा दीजिए जो मेरा मरने के बाद आपकी सेवा करेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला था आपके कर्म में कोई बेटा बेटी नहीं है। तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला था आप अकर्म कर्मदायक हो, जिसके भाग में नहीं होता है वो आप दे सकते हो और जिसके भाग में होता है वो आप ले सकते हो, हमको एक बेटा दीजिए जो मेरा मरने के बाद आपकी सेवा करेंगे। तो मार्कंडेय ऋषि ने इसको एक बेटा दिया था जिसकी आयु था 7 साल। जब 7 साल आखिरी दिन पूरा हो गया, यहाँ पर यमराजा ने आया था प्राण हरने के लिए। तो यमराजा का कोई अधिकार नहीं, इसलिए यमराजा बाहर खड़े होके वो मार्कंडेय ऋषि को कालफास पकाया था, जो कालफास मार्कंडेय ऋषि के गर्दन में लग गया था। इसलिए वो मार्कंडेय ऋषि ने वो शंकर भगवान को पहली बार महामृत्युंजय मंत्र जप करके वो शिवलिंग को चपट लिया था और शिवलिंग खंडित हो जाता है। और महादेव शंकर ने प्रकट होके यमराजा को त्रिशूल दिखा के बोला मैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन लोगों के अधिकार में पालन करता हूँ, ये बच्चा का आयु पूरा नहीं हुआ है, तुम यहाँ पर क्यों आया था? तो मार्कंडेय ऋषि ने बोला था ये बच्चा का आयु अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तुम क्यों आया था? तो यमराजा ने हाथ जोड़े बोला मैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीन लोगों के अधिकार में पालन करता हूँ, ये बच्चा का आयु अभी भी पूरा हुआ है, मैं इसलिए उसका प्राण हरने के लिए आया हूँ। जो मार्कंडेय ऋषि ने बोला था आप चित्रगुप्त को बुलाओ और पांजी खोल के देखो इस बच्चा का आयु कितना साल है। जब चित्रगुप्त ने मार्कंडेय ऋषि को पांजी लेके आया था, वो पांजी खोल के देखा तो मार्कंडेय ऋषि ने इसको आशीष दिया था 7 साल जीने के लिए, परंतु इसका पूजा में प्रसन्न होके वो 7 साल को 7 कल्प बना दिया। इसीलिए उसको जगन्नाथ जी का गुरु मानता है और मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया था। इसीलिए इस जगह का नाम महामृत्युंजय मार्कंडेश्वर है। और देखिए यहाँ पर यज्ञ कुंड है, पानी के बीच में एक यज्ञ कुंड है और यज्ञ कुंड के बीच में जो तीनथा काला घर है ना, वो तीनथा काला घर यहाँ पर जैसे हम मरने के बाद हमारा शुद्धि क्रिया होता है, ऐसे भी जगन्नाथ जी 15 साल में नवकल्प यात्रा यहाँ पर होता है। इसलिए यहाँ से तीनथा काला घर है, एक जगन्नाथ जी का और एक बट ठाकुर और माता सुभद्रा माया की, वो उधर सामने ना जो तीनथा काला घर है। हाँ। इसीलिए उसको यहाँ से जगन्नाथ जी का गुरु मानता है। और पानी के एक साइड में देखो एक गौशाला है, यहाँ से 1 लाख का गो का मल मूत्र में जल प्रतिष्ठा हुआ था, इस जल जाके जगन्नाथ जी का मंदिर प्रतिष्ठा हुआ था, इसलिए उसको जगन्नाथ जी का गुरु मानता है। और इधर देख लियो जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर ऊपर से नील चक्र है, इस मंदिर के ऊपर नील चक्र है, इसलिए उसको जगन्नाथ जी का गुरु मानता है। नील चक्र का क्या अस्तित्व है प्रभु? मतलब नील चक्र क्या है? नील चक्र जैसे सुदर्शन चक्र को नील चक्र बोलता है, जैसे जगन्नाथ जी के मंदिर ऊपर से नील चक्र है, इस मंदिर ऊपर से नील चक्र है, इसीलिए उसको जगन्नाथ जी का गुरु मानता है। यहाँ से जगन्नाथ जी साल में 4 बार आता है भगवान को दर्शन करने के लिए, इसलिए उसको जगन्नाथ जी का गुरु मानता है और महामृत्युंजय मार्कंडेश्वर बोलता है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो भाई आप लोगों को नॉलेज भी दे दिया है जिनको नहीं पता था। एक आपको ऊपर से एक जो एक ब्रीफिंग देनी थी इसकी, में हमने ब्रीफिंग दे दी है, पंडित जी ने बहुत हेल्प की है। और मैं दोबारा आऊंगा अपने माता पिता के साथ, तो प्रभु ने जो मेरे को विश दिया है कि ये जो तुम्हारी पूरी हो जाए अगर तुम्हारी मनोकामना, तो जरूर आना। और प्रभु जी से मैंने कुछ जबान भी दिया प्रभु जी को, वो जबान भी मैं पूरी करूँगा यदि सब चीजें होती हैं पूरी। और ठीक है प्रभु मैं चलता हूँ फिर अभी। मुझे जय जगन्नाथ प्रभु। ये हैं ऋषि मार्कंडेय जी।